सुंदर जी भी हैं। और श्याम सुंदर जी एक बात बताइए, युवा आजकल बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेता है समाज के कार्यक्रमों में, तो उसका क्या विशेष कारण है? ऐसा नहीं है, गड़ेरिया समाज जाग चुका है। आज गड़ेरिया समाज के युवा रोड पर आ चुके हैं और इतना ज़बरदस्त आंदोलन कर रहे हैं युवा कि वो अपनी पहचान बनाने के लिए गड़ेरिया शब्द को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि गड़ेरिया शब्द को पीछे हमारी जो जाति है वो कई नामों से जानी जाती थी, इस करके लुप्त हो रही थी, ताकि हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे जो अदर स्टेट में रहते हैं। इस करके हमारे युवाओं ने आज गड़ेरिया शब्द को इतना अच्छा हाईलाइट किया है जिससे कि गड़ेरियों की एक पहचान मिल सके, चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जो गड़ेरिए हैं वो आज जाग चुके हैं। आज हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इंडिया में युवा जितने गड़ेरिए हैं वो संदेश एक दूसरे के दे रहे हैं कि जागरूकता फैले, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आज के जो युवा हैं अगर एजुकेटेड रहेंगे तभी जाके अपना अधिकार पा पाएंगे समाज में। जैसे हमारे सीनियर सब ने बताया, राजनीति में हिस्सेदारी पाने के लिए हमारी जो परसेंटेज है वो हमें फिक्स होनी चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो हमारे युवा आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे। इसके लिए जो भी कुछ करना होगा हमारे जितने सीनियर हैं उनसे सलाह लेकर के हम लोग समाज को मोटिव करने के लिए काम करेंगे। कितने अच्छे से बताया कि युवा अब बिल्कुल जाग चुके हैं। हमारे साथ एडवोकेट नीरज पाल जी भी हैं। नीरज जी एक बात बताइए, आज संविधान को सड़कों पे जला दिया जाता, आप एक अधिवक्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो उसके लिए भी आज जो है वो एससी समाज ही जागकर आता है, ओबीसी समाज तब नहीं आता है जब संविधान को रोड पे जला दिया जाता है, तो इसका क्या विशेष कारण है कि आज आप इतने बड़े काम कर रहे हैं, आंदोलन को काम कर रहे हैं, लेकिन जब संविधान को जला दिया जाता है, क्योंकि संविधान की बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ओबीसी समाज तब क्यों नहीं आता है सड़कों पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि ओबीसी समाज सड़कों पर नहीं उतरता है, लेकिन एक कुछ समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि ओबीसी समाज का क्या था, पहले और राजनीतिक जो पार्टियां थी उनको सपोर्ट करता था, सपोर्ट करते करते उनको वो देखने लगा कि वो अब हमें सपोर्ट नहीं करते, तो अब वो इस समय क्या कर रहा है कि अब वो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। उनका ये चल रहा है कि अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा राजनीति में भागीदारी मिले, जिस तरह का हमारा ओबीसी समाज है वो अभी तक पिछड़े, उसमें क्या है उनका यूज़ कर लिया जाता है, बाद में उनको बाहर, उनको कोई उचित पद पे रखा ही नहीं जाता है, ना उनकी सुनी जाती है, इसलिए वो अब आगे के लिए आ रहा है। मतलब अगर आप ये कहना चाहेंगे कि अब पदों के लिए ओबीसी समाज जाकर आगे आ रहा है, आना चाहिए जी, पद तो मेन है जी, अब समाज सेवा आप तभी तो कर पाएंगे। आपने जैसे ओबीसी समाज है, हमारा गड़ेरिया समाज है, वो अपना विषय कैसे रखेगा, किसको बोलेगा? अगर वो जाके किसी जनरल कास्ट पे या किसी पे जाके बोलता है तो उनकी नहीं सुनते, तो उसका तो फिर सीधा सीधा सा मतलब है कि अपने लोगों को उचित पद पे होना चाहिए जिससे वो अपने लोगों की बात सुन सके। तो इसमें कोई मैं नहीं, आपसे अधिवक्ता एडवोकेट नीरज पाल जी, जिन्होंने साहब काशी राम ने भी एक बात बताई थी कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में लीजिए तभी आपको सारी चीजें मिल पाएंगी, तो ओबीसी समाज भी सत्ता की चाबी के लिए निकल चुका है और अपने अधिकारों के लिए पूरी लड़ाई कर रहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ सुरेंद्र सिंह गौतम।